मुझे ये लगता है कि गौरी हमेशा ओनरशिप के खिलाफ थी और आप उनसे किसी चीज पे बात करते हैं, आप चाहे मैरिज इंस्टीट्यूशन पे बात करें, सरप्लस पे बात करें, तो वो एक चीज पे बार बार जोर देकर के कहती थी कि सोसाइटी में जितना भी एक्सप्लॉयटेशन है वो आइडिया ऑफ ओनरशिप के चलते हैं। अब अगर हम लोग गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इस हॉल में आए हैं, और ये एक रस्म अदायगी नहीं है, ये एक रिचुअल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि गौरी लंकेश के ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं है। कोई भी जो गौरी लंकेश की बातों में भरोसा करता हो और वो जिस रास्ते पे चल रही थी उस पे चलने की कोशिश कर रहा हो, अपने हिसाब से वो उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकता है, क्योंकि माँ बहन बेटी बेटा बाप भाई परिवार, इससे ज़्यादा उनके लिए अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट था तो वो था कॉमरेड एंड फ्रेंड्स। कोई भी जो उनके साथ अपना जो भी रिश्ता बनाना चाहता है वो बना सकता है, और मैं समझता हूं कि हम लोगों का भी ये व्यक्तिगत संबंध या पर्सनल रिलेशन पॉलिटिकल ज्यादा था। दिल्ली में जब भी 5 तारीख आता है तो अचानक से जर्नलिस्ट फोन करने लगते हैं कि गौरी लंकेश का शहादत दिवस है, मार्टर डे है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वही बात, वही सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी पत्रकार ने पूछा कि कैसे मिले थे आप, हमने कहा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्टोरी, और उस स्टोरी में कोई TRP भी नहीं है, बहुत लंबी भी नहीं थी, और मुझे मालूम भी नहीं था कि वो इतना शिद्दत से मोहब्बत करती है हम लोगों को, इसका अंदाजा भी नहीं था। एक बार एक साधारण से पॉलिथीन के बैग में कुछ कपड़े और एक इमोशनल चिट्ठी मिली, ये हमारी पहली मुलाकात थी। इवन इट वॉज नॉट फिजिकल, वो इमोशनल चिट्ठी पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि आई शुड मीट हर पर्सनली, क्योंकि उस चिट्ठी में जो एक बात लिखी हुई थी वो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं, और वो चिट्ठी है मेरे पास। उसमें वो लिखा हुआ था कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ रोहित वेमुला आई थॉट आई शुड मीट हिम पर्सनली, इट वॉज द ड्रीम ऑफ गौरी लंकेश, देन ओनली सी डिसाइडेड वेयर एवर देर इज ए फाइट फॉर जस्टिस इक्वलिटी And those who are fighting, she will try to establish a lively, organic relationship with that person. And this is the beginning of our relationship. This is the basis of our relationship. उसके बाद हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में, जैसे आप सब लोग हैं, ऐसे ही मिलने लगे। और एक बार जब उनका घर जाना हुआ तब मुझे पता चला कि वो कितने एक्यूट प्रेशर में हैं, कितना थ्रेट है उनके ऊपर, और उस फियर को वो किस तरीके से मैनेज करती थी, अपने हैप्पीनेस से, अपने लाइवलीनेस से, लोगों के साथ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप से। मैं समझता हूं कि इंसान जब हमारे बीच होता है तब हमको उसका मूल्य नहीं पता चलता है, जब वो इंसान हमारे बीच से चला जाता है तब हमको उसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझ में आता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
आप सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब कोई घटना घटती है जिसमें इत्तेफाक से टीआरपी भी हो तो बहुत कैमरे होते हैं, बहुत लोग होते हैं। शायद आपको गौरी लंकेश का फ्यूनरल याद हो, बहुत सारे लोग होते हैं। फिर धीरे 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 उस बात को, उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। जर्नलिस्ट का दूसरा सवाल ये था कि आप जस्टिस को लेकर के कितना सेटिस्फाई हैं। हमने कहा कि एक्चुअल जस्टिस कभी नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि जस्टिस किसी कल्प्रिट को महज पकड़ लेने से नहीं इंश्योर होता है। गांधी को जस्टिस नहीं मिला, गोडसे पकड़ा गया, लेकिन जिसने गोडसे को गोडसे बनाया उसको तो ये भीड़ बना करके घूम रहे हैं। उसकी फोटो इन्होंने पार्लियामेंट में लगा दी, उसके नाम पे सड़कें रख रहे हैं, उसके नाम पे ब्रिज रख रहे हैं। गांधी को जस्टिस मिला, गौरी को भी जस्टिस किसी इंसान को जेल में डाल देने से नहीं मिलेगा। गौरी को जस्टिस तब मिलेगा जब आइडिया ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाएगा और आइडिया ऑफ इक्वलिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसीलिए ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये रिचुअल का सवाल नहीं है। उस अंडरस्टैंडिंग को, उस आइडियोलॉजी को रोज जीने की बात है। और जो कोई भी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस की मॉरेलिटी को, उसके प्रिंसिपल को अपने जीवन में जी रहा है, उस सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गौरी लंकेश से रिलेशन है, क्योंकि ये उस ट्रेडिशन की बात है जिस ट्रेडिशन की शुरुआत इस दुनिया में स्पार्टाकस ने की थी, हिंदुस्तान में बिरसा मुंडा ने किया था। आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए जो लड़ रहा है, और उस आइडिया ऑफ फ्रीडम को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है कि आपको आइडिया ऑफ ओनरशिप को निगेट करना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ इस हैसियत से नहीं खड़ा हूं कि गौरी लंकेश मुझे अपना बेटा मानती थी, मैं इस हैसियत से खड़ा हूं कि वो मां थी, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट, आज अगर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो माँ के रूप में एक टीचर थी, एक कॉमरेड थी। इसीलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये निराशा का दौर है, जिससे भी पूछिए निराश होते रहता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो जाम लगा हुआ था। अब बेंगलोर है, ग्रीन सिटी है, नहीं ग्रीनरी आजकल हमारे दीवारों पर है, ग्रीन पिक्चर्स होते हैं, ग्रीन ट्री तो कम होता जा रहा है। तो ये भी जो है एक पॉलिसी के चलते हुआ है, और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, आज उस जगह से कैंसर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं। तो डेवलपमेंट के अपने डायनेमिक्स हैं। तो जाम लगा हुआ था और सामने से एम्बुलेंस आ रही थी। एक आदमी अपनी दुकान से बाहर आकर के ट्रैफिक को रोका और एम्बुलेंस क्रॉस करा दिया। मेरे साथ जो जर्नलिस्ट थे, मैंने उनको कहा कि हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, कास्ट खोजने लगते हैं, रिलीजन खोजने लगते हैं, आइडियोलॉजी खोजने लगते हैं। बताइए उस आदमी ने जो उस एम्बुलेंस को क्रॉस कराया, उसने ना जात पूछी ना धर्म पूछा, उसने तो एम्बुलेंस क्रॉस करा दिया। आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खतरे में है वो है ह्यूमैनिटी, और इस बात को लोग अपने आइडियोलॉजिकल जो उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन है उससे बाहर आकर के वो समझना शुरू करते हैं कि आज के डेट में जिस मॉरेलिटी को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है वो मॉरेलिटी है
इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, उसको जो है रिवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लड़ाई किसी एक पार्टी के जीतने की और किसी एक पार्टी के हारने की नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, आप इलेक्शन हार गए हैं, अब क्या करेंगे? हम बोले वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन तो ये था ही नहीं, ये तो जर्नी है। वैसे एक चीज और बता दूं, हमेशा मजेदार जर्नी होता है, डेस्टिनेशन का क्या? जिस दिन डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उस दिन से जो है फिर दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। मजेदार हमेशा जर्नी होता है। आज के समय में किसी को भी ये लग रहा है कि एक पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, एक पार्टी बहुत छोटी हो गई है। वोट तो कांग्रेस को दिए थे ना, जीता तो कांग्रेस का विधायक था ना, तो भाजपा कैसे हो गया? और जो भाजपा उसको होने से बचा रहा था, वो आदमी जेल कैसे पहुंच गया? ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। इस बात को लोग जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना जल्दी ये लड़ाई क्लियर हो जाएगी। ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं। ये आइडियोलॉजिकल बैटल है ह्यूमैनिटी वर्सेस इनह्यूमन का। ये लड़ाई है ट्रूथ वर्सेस फॉल्स का। ये लड़ाई है राइट वर्सेस रॉन्ग का। ये लड़ाई है इन्फॉर्मेशन वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन का। इसीलिए जो लोग जस्टिस में बिलीव करते हैं, उनको पार्टी का बड़ा और छोटा होने का बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। ये सब पार्टी एक साथ बनी है और ये सब पार्टी एक साथ खत्म हो जाएगी। इस बात को आप जान लीजिए। अभी लग रहा है कि ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, वो पार्टी इतनी बड़ी कैसे हुई है? जो पहले कहीं और रूल कर रहे थे, वही भाग करके इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर तो हमारी मंच पे आकर के बैठे हुए हैं। अब आप समझिए कि तिरंगा झंडा जिन्होंने उठाया है, उसको एक्चुअली तिरंगा झंडा से प्यार ही नहीं है। उनका पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल जेनेसिस जो है, वो तिरंगा को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया को चेंज करना चाहते हैं। उनको नफरत है डाइवर्सिटी से। मैं आज का एग्जांपल देता हूं। मैंने जो है सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट किया। वैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पर रहता नहीं हूं, क्योंकि मुझे कई बार महसूस होने लगा कि ये मुझे सबसे ज्यादा अनसोशल बना रहा है। दिन भर मोबाइल पे लगे रहिए, बगल में जो पड़ोसी है उसका नाम भी नहीं पता है, तो मैं थोड़ा वक्त कहीं और भी देने लगा हूं। तो जो कमेंट आया, उसने पूछा ये तो कब्रिस्तान है। हमने कहा भाई साहब, यही तो हिंदुस्तान है। कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब्रिस्तान किसका है? हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, कि लिंगायत का है? यही तो बात है। इनको आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी से प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रिसाइडली इनको डेमोक्रेसी से दिक्कत है। और जिसको डेमोक्रेसी से दिक्कत होगी, वो डाइवर्सिटी को कभी पसंद नहीं करेगा। बात को लोगों तक ले जाना शुरू कीजिए। मैं बहुत गांव में रहता हूं इन दिनों। लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। और अभी जब बोलने के लिए आई थी वो, तो नीचे से किसी ने कहा कि कन्नड़ में नहीं बोली। यही बात है। अगर गौरी लंकेश भी अंग्रेजी में लिख रही होती, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी बोलूं, काम चलाऊ बोल भी लेता हूं, मजा नहीं आता है, अपनापन सा नहीं लगता। अगर वो अंग्रेजी में लिख रही होती, दिल्ली में होती, तो ट्रोल होती, गोली नहीं मारी जाती। इस इंपॉर्टेंस को समझिए। चूंकि वो कन्नड़ा में लिख रही थी, गांव में जा रही थी,
अब देख रही हो आइडिया क्या है, गुजरात का जिग्नेश मेवानी, बिहार का कन्हैया कुमार, और यहाँ जो है कन्नड़ के जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं सबके साथ एक लाइवली रिलेशनशिप, इससे डर होता है। वरना महिला से कोई डरता है क्या? महिला को डराता है, महिलाओं को इस समाज में डराया जाता है, महिला से कोई नहीं डरता है। वो भी हालांकि वो मानती नहीं थी कि वो बूढ़ी हो रही है, बिल्कुल इस बात से वो गुस्से में आ जाते थे अगर उनको कहने का उम्र हो रही है, लेकिन एक बूढ़ी महिला से क्यों डर रही थी सत्ता? क्योंकि सत्ता जिन चीजों के खिलाफ था वही हमारी एकता का आधार है। डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों को करने के लिए। इलेक्शन होते रहेगा, और मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये पार्टियां बनी लेफ्ट राइट सेंटर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज ओवर हो रहा है, हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में इंटर कर रहे हैं, नए तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने को तैयार है। जो लोग पहले सत्ता भोग लिए उनका टाइम खत्म हो गया है, ये नए नए सत्ता में आए हैं सत्ता भोग रहे हैं, रूलिंग पावर है सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन आपके जीवन के सवालों का और आपके कॉन्ट्राडिक्शन का ये जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। इसीलिए उन सवालों को टच करने का प्रयास किया जाए जिन सवालों से आज हमारी पीढ़ी जूझ रही है। आइडिया ऑफ मैरिज क्या है, ऑनरशिप क्या है, सरप्लस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है, और इन सवालों पर, इन सोशल कॉन्ट्राडिक्शन पर जो गांव है आज भी, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आप जानते हैं, शहर को स्मार्ट बनाना है, गांव को स्मार्ट नहीं बनाना है, और उस स्मार्ट शहर में लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे, शहर स्मार्ट बनेगा। इन तमाम चीजों पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि निराशा कोई रास्ता भी नहीं है और निराश होने की जरूरत भी नहीं है। अब आप बताइए, लंकेश पत्रिके पूरे देश में तो मशहूर नहीं था, गोविंद पंसारे जो थे उनकी किताब के बारे में महाराष्ट्र से बाहर लोग जानता भी नहीं था, शिवाजी कौन होता। जब हत्या हो गई तब देश को पता चला कि ये कोई था, ये कोई थी। तो आप जो करेंगे हो सकता है कि आपके जीवन में आपको उसके बारे में पता नहीं चले, लेकिन अगर आप सही कर रहे होंगे और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जो नफरत है, उनका जो एक्सप्लाइटेशन है, उसके खिलाफ अगर आप खड़े हो रहे होंगे तो आपको भले ना पता चले लेकिन इस पीढ़ी को जरूर पता चलेगा, और आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। और जब सवाल वो पूछेगी उन लोगों से कि देश का हाल बुरा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो आपका नाम कम से कम कल्प्रिट में नहीं लिखा जाएगा, आपका नाम जस्टिस के लिए लड़ने वाले फाइटर के रूप में माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर हम जस्टिस के लिए फाइट करना चाहते हैं तो गौरी लंकेश के साथ और वो तमाम लोग जिनका नाम हम नहीं जानते हैं उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन है, और उनके रास्ते पे चल करके ही हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके सपनों का देश बना करके ही हम उन जैसे लोगों की लड़ाई को, जिसमें जस्टिस एक बुनियादी चीज है, वो जस्टिस चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या जेंडर बेस्ड हो, उस जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहते हुए, थैंक यू कहते हुए अपनी बात पर खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जी।